झारखंड के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवघर के ऐसे टॉप 10 कॉलेज के बारे में, जहां से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही कमाल का जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। दोस्तों, देवघर झारखंड का चौथा ऐसा सिटी है जो एजुकेशनल हब बन चुका है, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं तथा यहाँ पे झारखंड के ही नहीं दूसरे स्टेट से बच्चे भी आकर स्टडी करते हैं और कामयाब होकर जाते हैं। लेकिन वही कुछ स्टूडेंट कॉलेजों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं लेते हैं और जल्दी जल्दी में एडमिशन लेकर जिंदगी भर पछताते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है एम्स कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यह कॉलेज दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2019 ईस्वी में। यह कॉलेज देवघर का शान है तथा यह कॉलेज मेडिकल साइंस के लिए पूरे झारखंड में नंबर 1 कॉलेज है। मेडिकल साइंस के बच्चों के लिए यह कॉलेज दोस्तों पहली पसंद है तथा यह कॉलेज इतना फेमस है कि पूरे भारत से बच्चे आकर यहाँ पे स्टडी करते हैं और एक सफल डॉक्टर बन के जाते हैं। दोस्तों, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी भव्य और मॉडर्न स्टाइल का है तथा यहाँ के फैकल्टी भी वर्ल्ड क्लास के हैं। यह कॉलेज दोस्तों देवघर का ही नहीं पूरे झारखंड का रुतबा ऊंचा किया है। हमें इस कॉलेज के ऊपर गर्व है। यह कॉलेज MCI द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों, जैसा कि यह एक स्पेशल मेडिकल कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मेडिकल साइंस में ही कोर्स उपलब्ध है। यहाँ से आप MBBS, MD, MS, MCH, PhD तथा BSc नर्सिंग में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है BIT कॉलेज, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। दोस्तों, हायर एजुकेशन के लिए यह कॉलेज देवघर का सबसे बेस्ट कॉलेज है तथा देवघर का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण इस कॉलेज के पास बहुत अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट उपलब्ध है। यह कॉलेज AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BTech कोर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ BBA और BCA में भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आता है मधुपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज। यह कॉलेज स्पेशल डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज है तथा जिले का एकमात्र पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 2017 ईस्वी में। दोस्तों, इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट उपलब्ध है तथा यहाँ पे भी हाई क्वालिफाइड फैकल्टी उपलब्ध है। यह कॉलेज JUT यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तथा माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ BBA और BCA में भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आता है देवघर कॉलेज। यह कॉलेज भी दोस्तों बहुत अच्छा कॉलेज है तथा यह कॉलेज देवघर का सबसे पुराना और पहला कॉलेज है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। इस कॉलेज के पास दोस्तों बहुत पुराने पुराने फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ का एजुकेशनल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। दोस्तों, यह कॉलेज जिले का एकमात्र लॉ कॉलेज भी है। यह कॉलेज NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा SKMU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और BCI द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप IA, ISC, BA, BSc, MA, MSc, BBA, BCA तथा LLB में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद नंबर 5 पे आता है AS कॉलेज। यह कॉलेज दोस्तों देवघर का सबसे लोकप्रिय और फेमस कॉलेज है तथा पूरे देवघर में इस कॉलेज के पास सबसे अधिक स्टूडेंट उपलब्ध है तथा यह कॉलेज भी काफी पुराना कॉलेज है। इस कॉलेज के पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट उपलब्ध है। यह कॉलेज NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा SKMU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ से आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc, BCOM, BBA
तथा BCA में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे आता है रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज। यह कॉलेज दोस्तों मोहनपुर ब्लॉक के बैजनडीह गांव में है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 ईस्वी में। यह कॉलेज स्पेशल एग्रीकल्चर कॉलेज है। दोस्तों अगर आप अपना कैरियर एग्रीकल्चर फील्ड में बनाना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए सुपर्ब कॉलेज है, क्योंकि यह कॉलेज न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर नई नई रिसर्च के साथ एग्रीकल्चर फील्ड में स्टडी प्रोवाइड कराता है। यह कॉलेज BAU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ से आप एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आता है RDBM कॉलेज, रामा देवी बजला महिला महाविद्यालय। यह कॉलेज भी दोस्तों बेस्ट कॉलेज है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज स्पेशल वुमेन कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। यह कॉलेज भी NAAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तथा SKMU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ से आप IA, ISC, ICOM, BA, BSc तथा BCOM में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पे आता है DIPSER कॉलेज, देवसंघा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। यह कॉलेज भी एक ग्रेड का कॉलेज है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2001 ईस्वी में। यह कॉलेज भी दोस्तों स्पेशल वुमेन कॉलेज ही है, इसलिए यहाँ पर भी सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी भव्य और आकर्षक है तथा यह कॉलेज दोस्तों स्पेशल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, इसलिए अगर आप टीचर ट्रेनिंग में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। यह कॉलेज SKMU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप MEd, BEd तथा DELED में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पे आता है शिवम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसकी स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज जॉब ओरिएंटल कोर्स कराता है, यानी कि इस कॉलेज से पढ़कर बच्चे तुरंत जॉब पे लग जाते हैं। यहाँ से आप BSc नर्सिंग, ANM, GNM, D-Pharm, DMLD, OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन तथा ITI में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे आता है मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग। यह कॉलेज भी दोस्तों बेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है तथा इसके पास भी बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है, क्योंकि इस कॉलेज के पास बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी उपलब्ध है। इसकी स्थापना हुई थी 2013 ईस्वी में। यह कॉलेज भी SKMU यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है और NCTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से आप BEd और DELED में कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों यह है देवघर के टॉप 10 कॉलेज, जहां से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिलाते हैं तथा दूसरा बहुत ही कमाल का जॉब प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।